बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाबान का मुबारक महीना है और अब करीब ही शाबान की शबे बारात की 14 शाबान की रात शबे बारात आ रही है, इसलिए इस रात में मुसलमान आम तौर पर हमेशा से इबादत में मसरूफ़ रहा है, नमाज़ें पढ़ता है, तिलावत कुरान करता है, कब्रिस्तान जाता है। कोई भी फजूल काम करना इस रात में हराम है, इससे अपने आप को बचाया जाए। कब्रिस्तान जाए तो सवेरे से अपने काम से निमट लिया जाए, इनफरादी इबादत में अपना वक्त गुजारा जाए। अजीब इत्तेफाक ये है कि इस मरतबा शब बारात और होली का दहन एक ही दिन पड़ रहे हैं, लिहाजा हमारे बिरादरी वतन का ये त्यौहार है तो इस वक्त जो है ये हमें आपस में तालमेल पैदा करता है। हम हिंदू भाइयों के साथ आपस के अंदर बहुत ही अखलाकियात का मुजाहरा करें, किसी तरह से कोई माहौल ख़राब ना होने पाए, एक दूसरे का तआवुन करते हुए अपने बच्चों को समझाया जाए। इस रात के अंदर मोटरसाइकिल पर बैठकर पूरी रात हुड़दंग मचाना और स्टैंडिंग करना, ये सब चीज़ें हराम है, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। अगले दिन रोज़ा रखते हैं, मुसलमान रोज़े का एहतमाम करते हैं, उस वक्त भी हमेशा अपने आप को जो है नॉर्मल किया जाए, घूमने फिरने के लिए न निकला जाए, क्योंकि रंग का वक्त होता है, हमारे हिंदू भाई रंग खेलते हैं, लिहाजा उनके लिए ये धर्म का एक अमल है। उस धर्म के अमल में हम अपने आप को जो है उन्हें कहीं किसी तरह से उसमें परेशानी पैदा ना हो, ये कोशिश की जाए। अल्लाह हमको तौफीक दे दे कि हम इस रात के अंदर मुबारक रात में हम गरीबों की मदद भी करें, अपना ज़रूरतमंदों की मदद करें, जैसे हमेशा करते आए हैं। किसी तरह से उड़दनबाजी ना हो, कहीं मजमा इकट्ठा ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए, आपस में मास्क का इस्तेमाल किया जाए, हमेशा इसका ख्याल पेश नज़र रहे कि कोरोना वायरस जो है उससे हमारा मुल्क और हम महफूज रहें। अल्लाह हम सब के ऊपर करम का मामला फरमाए।